तो वेरी गुड आफ्टरनून ऑल, वेलकम टू बीएससी इंस्टीट्यूट। तो हमारी जो एमसी बोल सकते हैं कि हमारे मॉडर्न हिस्ट्री के ऊपर हमारे सेशंस चल रहे हैं। कल हम लोगों ने बोल सकते हैं कि ज़्यादातर जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में देखा था कि फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के क्या क्या रिजल्ट निकले थे, फिर उसके बाद सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बात की थी। और सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद हम लोगों को पता है कि एक तरीके का समझौता साइन हुआ था, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, पूना पैक के नाम से जानते हैं या पूना समझौते के नाम से जानते हैं। अब वो पूना समझौता किस किस के बीच में साइन हुआ था, गांधी जी और बी आर अम्बेडकर के बीच में। अब बी आर अम्बेडकर और गांधी जी के बारे में हम लोगों ने देखा कि जो कम्युनल अवार्ड्स बोल सकते हैं कि हमारे ब्रिटिशर्स ऑर्गेनाइज करवा रहे थे, या रैमसी मैकडोनल्ड जो कि पीएम थे, उन्होंने जो बोल सकते हैं कम्युनल अवार्ड्स को ऑर्गेनाइज करवाया था, उसमें जितनी भी माइनॉरिटीज बोल सकते हैं कि रिलीजियस माइनॉरिटीज थी, उनको सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग दी जा रही थी। मतलब कि अगर दलित की बात करें, सिख की बात करें, तो दलित की अलग अलग से बात करें तो उनको जो भी इलेक्शन होंगे उन सीटों में आरक्षण दिया जा रहा था। तो कितने आरक्षण की बात हुई थी, दलित को कितनी सीट मिलने वाली थी, 71 मिलने वाली थी। जब गांधी जी को पता चला कि हिंदू धर्म के अंदर ही दलित लोगों को अलग से सेपरेट इलेक्टोरेट बोल सकते दी जा रही है, तो उनको पता था कि इसके कारण जो बोल सकते ब्रिटिशर्स है वो क्या डाल रहे हैं, फिर से फूट डाल रहे हैं और शासन करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, गांधी जी इस चीज से बिल्कुल भी खुश नहीं थे, इसलिए उन्होंने अनशन किया। अनशन ज्यादा मतलब उनकी तबीयत खराब हो गई, तो हमारे बोल सकते मदन मोहन मालवीय ने और बाकी के जो सप्रू वगैरह हैं उन लोगों ने बोल सकते कि बी आर अम्बेडकर को बहुत मनाया कि भैया आप गांधी जी से जाके मिलके बात कर लो, समझौता कर लो, वरना उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। अगर किसी भी तरीके से अगर उनकी बोल सकते कि तबीयत ज्यादा खराब हो जाती है या सिचुएशन ज्यादा खराब हो जाती है तो आप दलित लोगों के लिए ही प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि बाकी की जो जनता है अभी दलित लोगों से पहले से ही अपने आप को अलग समझती है, इस घटना के बाद में वो बिल्कुल ही अलग कर देंगे। ठीक है, तो बी आर अम्बेडकर को प्रेशर में आके वो समझौता साइन करना पड़ा था, पर उन दोनों के बीच में जो समझौता था वो कैसा था, दोनों के लिए मतलब कि दोनों के लिए वो समझौता अच्छा माना गया था। गांधी जी भी उस चीज से बोल सकते कि खुश थे, और गांधी जी ने प्रॉमिस किया था कि आपको 71 सीट वो लोग दे रहे हैं, हम कितनी सीट देंगे, 148। और ये प्रोविंस की या प्रांतों की बात कर रहे हैं, और सेंट्रल सेंट्रल या केंद्र की बात करें तो केंद्रों में उन्होंने कितनी सीट्स की रिजर्वेशन की बात की थी, 18%। ठीक है, तो 18% की। तो इस तरीके की समझौते किए गए थे, वो समझौते को साइन किया गया। उस टाइम पे हमने पूना पैक को देखा, पूना पैक के बाद में हम लोगों ने थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में देखा था। थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कोई भी नहीं गया था, मतलब गांधी जी भी नहीं गए थे। ठीक है, उसमें भी बोल सकते हैं कि कोई निष्कर्ष नहीं निकला था, बस उसमें हमको क्या देखने को मिला था कि उस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जितनी भी तीन कॉन्फ्रेंस हुई थी उससे रिलेटेड एक पेपर मतलब पत्र एक तरीके की जारी हुआ था, जिसको हम श्वेत पत्र और व्हाइट पेपर के नाम से जानते हैं। वो व्हाइट पेपर कुछ नहीं था, वो तीनों कॉन्फ्रेंस का एक तरीके से सार था। एक रिपोर्ट उसमें पब्लिश की गई थी कि तीनों कॉन्फ्रेंस में किस तरीके की बातें डिस्कस हुई हैं, कौन सी चीजें मानी गई हैं, उस चीज को व्हाइट पेपर पे लिखा गया था। ठीक है, उस पेपर को लिखने के बाद उसको ब्रिटिश पार्लियामेंट में मतलब एक तरीके से पेश किया गया था। तो अब ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास वो व्हाइट पेपर था, साइमन कमीशन की वो रिपोर्ट थी, नेहरू रिपोर्ट से रिलेटेड कुछ चीजें थी, जिन्ना की 14 पॉइंट से रिलेटेड सारी की सारी चीजें उनको देखने को मिली थी। और तीनों कन्फेशन में वो हमारी जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी उसमें क्या क्या डिस्कशन हुए थे वो सारी चीजें उन्होंने उस ब्रिटिश पार्लियामेंट में डिस्कस की थी। और ब्रिटिश पार्लियामेंट में वो चीज डिस्कस करने के बाद, वो सारी रिपोर्ट्स को पढ़ने के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 लिखा गया था। ठीक है, इसलिए हम लोग देखते हैं कि आजादी के बाद में अगर आपसे पूछा जाए कि जब भारत आजाद हुआ था तो हमारा भारत किस एक्ट के थ्रू चल रहा था उस टाइम पे, उस टाइम पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो नहीं बना था ना इंडिया का, तो कौन सा एक्ट उस टाइम पे लागू होता था, यही वाला गवर्नमेंट ऑफ एक्ट 1935। तो लगभग 3 साल तक हमारा यही एक्ट बोल सकते हैं कि लागू रहा था, इसी एक्ट के हिसाब से जो भी जुर्म होते थे या जो भी चीज होती थी उसी हिसाब से चलती थी। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखो तो एक चीज याद रखना कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में कभी कहीं पे भी डोमिनेंट स्टेटस की बात नहीं की गई थी। जो हम बोल सकते हैं कि हमारे भारत के लोग या नेहरू रिपोर्ट में हम लोग जो नेहरू जी थे, मोतीलाल नेहरू, डोमिनेंट स्टेटस की मांग कर रहे थे। ठीक है, तो वो चीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में कहीं नहीं लिखी गई थी। ठीक है, वो मैं बताऊंगा कि डोमिनेंट स्टेटस एक्चुअली बोल सकते वो हमारे ब्रिटिशर ने कब किस रिपोर्ट में उसको लिखा था। ठीक है, एक्चुअल में कब माना था कि डोमिनेंट स्टेटस हम लोग भारत को देने वाले, पहली बार ये चीज कब कही गई थी, तो ये हम लोग आज के सेशन में देखेंगे। ठीक है, तो ये हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे कल खत्म किया था उस चीज को। अब यहाँ पे 1939 में बेसिक एक इंपॉर्टेंट चीज क्या हुई थी हमारा, तो कांग्रेस का त्रिपुरी संकट। त्रिपुरी मतलब त्रिपुरा नहीं है, जो हम लोग स्टेट के नाम से समझ रहे हो त्रिपुरा वो नहीं है, त्रिपुरी है जो कि जबलपुर के पास में स्थित है। वहां पे जो कांग्रेस का सेशन हुआ था उसको हम लोग बोला जाता है कि कांग्रेस का त्रिपुरी संकट।
अगर हम लोग 1938 की बात करें तो 1938 में भी कांग्रेस का एक सेशन हुआ था, जो कि कहां पे हुआ था, हरिपुरा में हुआ था, जिसके बोल सकते अध्यक्ष कौन थे, सुभाष चंद्र बोस थे। तो वही चीज हमको देखने को मिली, 1938 में सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष थे और 1939 में भी वोटिंग हुई अध्यक्षता के लिए, किसकी अध्यक्षता के लिए, कांग्रेस के सेशन के लिए कि कौन अध्यक्ष बनेगा, तो उसमें कौन जीता था, सुभाष चंद्र बोस जीते थे। अब यहाँ पे हम लोग थोड़े से हम देखते हैं कि गांधी जी उस चीज से क्यों खुश नहीं थे, वो क्यों नहीं चाहते थे कि सुभाष चंद्र बोस उसमें अध्यक्ष बने। ठीक है, तो संकट के बारे में पढ़ते हैं, ये कब हुआ था, 1939 में, जो कि हमारा त्रिपुरा का जो कांग्रेस सेशन था उसी में उसी टाइम की ये घटना है। ठीक है, तो सुभाष चंद्र बोस वॉज इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस फॉर द एनुअल सेशन ऑफ हरिपुरा कांग्रेस इन 1938। तो पहले 39 से पहले हम लोगों ने देखा कि 1938 में हरिपुरा का जो कांग्रेस की वार्षिक अधिवेश हुआ था उसमें अध्यक्ष कौन थे कांग्रेस के, सुभाष चंद्र बोस थे। इसके बाद 1939 में जो कांग्रेस का सेशन हुआ वो कहां पर हुआ, त्रिपुरी में। ये त्रिपुरी कहां पर स्थित है, हमारे मध्य प्रदेश में ही बोल सकते हैं। कहां पे आता है ये वाला रीजन, जबलपुर वाले एरिया के आसपास में आता। ठीक है, तो जो वार्षिक अधिवेश वहां पे हुए थे तो सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार अध्यक्ष पद की उम्मीदवार बने, वे गांधी जी के पसंदीदा उम्मीदवार जो भट्टा सीता रमैया को प्रस्ताव कर दूसरी बार अध्यक्ष बन चुके थे। अब देखो यहां पे सीधी कहानी ये है कि गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस के बीच में उस टाइम पे विचार में डिफरेंसेस आना स्टार्ट हो गए थे। किस तरीके के डिफरेंस आना स्टार्ट हो गए थे, जो सुभाष चंद्र बोस थे वो एक तरीके से एग्रेसिव थे, उनके जो मूव्स रहते थे वो कैसे रहते थे, एग्रेसिव रहते थे, मतलब कि एक तरीके से वो चाहते थे कि जो भी चीज हो रही है वो क्विकली हो, क्योंकि गांधी जी के अगर उद्देश्यों से या गांधी जी के जरिए से अगर हम आजादी की बात करेंगे तो हमको सालों लग जाएंगे, पर सुभाष चंद्र बोस जो डिसीजन लेते थे वो एक तरीके से एग्रेसिव थे, वो आर्मी चाहते थे उस टाइम पे, वॉयलेंट एक्ट करना चाहते थे, पर गांधी जी उसके बिल्कुल भी विपक्ष में थे। गांधी जी सुभाष चंद्र बोस से बिल्कुल भी खुश नहीं थे, उनके विचारों में बोल सकते कि दोनों में बहुत ज्यादा अंतर था। ज्यादा हम लोग डिस्कशन में नहीं जा रहे, बस उसमें इतना याद रखना कि उन दोनों के बीच उनके बीच में जो विचार थे उनमें डिफरेंस आना स्टार्ट हो गया था। गांधी जी अहिंसा के बेसिस पे, सत्य के बेसिस पे, सर्वोदया के बेसिस पे, जो उनके उद्देश्य उनने बनाए थे उनकी पाथ पे चल के ही आजादी पाना चाहते थे, पर सुभाष चंद्र बोस जो थे वो एग्रेसिव मूव को लेकर एक तरीके से आजादी की तरफ बढ़ते थे। तो इस चीज का जब उनके बीच में डिस्कशन हुआ, डिफरेंस आना स्टार्ट हुआ, तो गांधी जी नहीं चाहते थे कि 1939 का जो कांग्रेस सेशन हुआ उसमें सुभाष चंद्र बोस क्या करे, अध्यक्षता करे। ठीक है, अगर वो अध्यक्ष बनेंगे तो उसी तरीके के वो बोल सकते हैं कि जो रेजोल्यूशन है वो एग्रेसिव रेजोल्यूशन को पास करने की कोशिश करेंगे, अगर वो पास हो गए तो जो गांधी जी के जो विचार है या जो धारणा है वो एक तरीके से क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। ठीक है, तो वो नहीं चाहते थे कि सुभाष चंद्र बोस 1939 में क्या बने, अध्यक्ष बने। तो गांधी जी उस अध्यक्ष मतलब बोल सकते कांग्रेस की जो सेशन हुआ था उसमें शामिल नहीं हुए थे, पर खुद ना शामिल होके उन्होंने एक तरीके से अपना दूसरा उम्मीदवार खड़ा किया था, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, पट्टाभी सीता रमैया। ठीक है, तो इनको गांधी जी ने अपनी तरफ से खड़ा किया था कि गांधी जी की तरफ से इलेक्शन कौन लड़ेगा, हमारे सीतारमैया जी लड़ेंगे। पर इस इलेक्शन में क्या होता है, उस टाइम पे जो बोल सकते पहले इससे बात पहली बात कहूं तो अबुल कलाम आजाद जो थे वो इस इलेक्शन को लड़ने वाले थे, पर उनको जब पता चला कि सुभाष चंद्र बोस इस इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं कांग्रेस के अध्यक्ष के बनने के लिए, तो उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया था। क्यों ले लिया था, क्योंकि उस टाइम पे सुभाष चंद्र बोस जो थे वो बहुत लोकप्रिय नेता बन चुके थे। ठीक है, उनको हराना बहुत ज्यादा मुश्किल था, तो जो कलाम थे उन्होंने अपना नाम वापस लिया और गांधी जी ने अपने उम्मीदवार जिसका नाम कहा था सीतारमैया को उनकी जगह पे खड़ा कर दिया। ठीक है, पर मैंने आपको जैसे बताया कि सुभाष चंद्र बोस उस टाइम पे बहुत ज्यादा लोकप्रिय थे, तो इस इलेक्शन में कौन जीते, सुभाष चंद्र बोस जीते। अब ये जब चीज हुई, जब लोगों ने उनको अध्यक्ष बनाया और 1939 की उसमें अध्यक्षता में सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्ष बने, तो उस टाइम पे गांधी जी को बहुत ज्यादा बुरा लगा और गांधी जी ने ये चीज लिटरली अपने ईगो पे ले ली थी। ठीक है, गांधी जी ने ये बोला था कि ये जो है वो मेरी बोल सकते कि उनकी पर्सनल लॉस है। ठीक है, तो इस चीज को उन्होंने अपने ईगो पे ले लिया था कि ये मेरी खुद की निजी हार तरीके से उन्होंने उसको समझा था, और इसके कारण उनकी गलती के कारण या उन्होंने ही गांधी जी और बोल सकते जो सुभाष चंद्र बोस के बीच में जो डिफरेंसेज आए थे उसकी शुरुआत या उसकी दुश्मनी की शुरुआत उन्होंने खुद ने करी थी। इस चीज में गांधी जी बहुत गलत थे। ठीक है, तो ये चीज हमको देखने को मिली, ये चीज समझ में आई। यहाँ पे 1938 में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने, सुभाष चंद्र बोस बने। ठीक है, कहां पे हुआ था वो, हरिपुरा में हुआ था। ठीक है, उस टाइम पे हमको ज्यादा दिक्कत देखने को मिली नहीं। 1939 में फिर से त्रिपुरी में जब सेशन हुआ तो उस सेशन में भी हमारे अध्यक्ष कौन बने, सुभाष चंद्र बोस। और जो गांधी जी ने जिनको उम्मीदवार बना के खड़ा था सीतारमैया को, वो क्या कर रहे थे, वो उसमें उस इलेक्शन में क्या कर गए थे, हार गए थे।
तो इस चीज का गांधी जी को क्या लगा? बुरा लगा। कैसे लगा? इस हार को गांधी जी ने अपने व्यक्तित्व हार को बताया। तो द गांधी जी डिस्क्राइब दिस डिफीट एज द पर्सनल डिफीट, या इस हार को उन्होंने अपने ईगो पे ले लिया था। ठीक है, फिर इसके बाद में उन्होंने देखा कि चुनाव के बाद अधिवेशन में परिरत प्रस्ताव द्वारा अध्यक्ष को गांधी जी के इच्छा अनुसार कार्य समिति के अध्यक्ष नियुक्त करने को कहा गया, लेकिन गांधी जी ने सलाह देने से इनकार कर दिया। ठीक है, तो उस टाइम पे जब बोल सकते हैं कि जब अध्यक्ष बन गए सुभाष चंद्र बोस, तो उस टाइम पे कांग्रेस वर्किंग कमेटी हुआ करती थी। तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी से जब वो एक सेशन हुआ, तो उसमें गांधी जी को जो इच्छा है या कुछ चीजें पूछी जाती थी कि गांधी जी को किस तरीके से रेजोल्यूशन को लेकर आना, या बात की जाती है ना कि अगर ये सेशन हो रहा है तो इस सेशन में किस तरीके की बातें होनी चाहिए, तो वो चीज कौन बताते थे? गांधी जी बताते थे। पर गांधी जी ने बताने से ही मना कर दिया, उन्होंने मना कर दिया कि मैं अपने हिसाब से कुछ नहीं बता रहा हूँ, आप अपने हिसाब से देख लो। तो सुभाष चंद्र बोस को भी पता चल गया था कि गांधी जी इस चीज इस निर्णय से खुश नहीं है, वो नहीं चाहते कि मैं अध्यक्ष बनूं, तो उन्होंने उसी टाइम पे क्या दे दिया था? रेजिग्नेशन दे दिया था। ठीक है, फिर इसके बाद में 1940 में जो सेशन हुआ था उसमें अध्यक्ष कौन बने थे? हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। ठीक है, तो ये चीज उस टाइम पे चल रही थी। तो 1939 का जो सेशन हुआ था एक तरीके से वह कैसा हो गया था? विफल हो गया था। उसमें जो भी चीज है, क्योंकि गांधी जी ने बताने से ही मना कर दिया था, तो उस चीज को लेकर सुभाष चंद्र बोस को बुरा लगा कि भैया वो खुद बताने के लिए मतलब तत्पर नहीं है, वो नहीं चाहते कि मैं अध्यक्ष बनूं या एक तरीके से मेरे विचारधारा जो है वो कांग्रेस में फैले, तो इससे अच्छा है कि मैं क्या करूं, रिजाइन दे दूं। और रिजाइन देने के बाद उसी टाइम पे 1939 में ही उन्होंने ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक तरीके मतलब ब्लॉक एसोसिएशन को बनाया था। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। उन्होंने अब ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक जो सुभाष चंद्र बोस ने बनाया था, वो कांग्रेस से हटके बनाया था या कांग्रेस के अंदर बनाया था? ठीक है, तो कांग्रेस के अंतर्गत भी बनाया था, कांग्रेस के अंदर ही वो एसोसिएशन फॉर्म हुआ था, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के नाम से जानते हैं, जो कि सुभाष चंद्र बोस ने बनाया था। किस ईयर में बनाया था? 1939 में बनाया था। ये चीज क्लियर हुई? In this situation, Subhash Chandra Bose finally resigned from the post of Congress President in the April 1939. In his place, Dr. Rajendra Prasad has made the President of Congress session. तो उस session में अगले session जब हुआ था next वाला, तो उसमें बोल सकते हैं President किसको बना दिया गया था? हमारे Dr. Rajendra Prasad को। और Congress के पार्टक होकर 1939 में Subhash Chandra Bose ने forward block की क्या की थी? स्थापना की थी, जिसको हम ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के नाम से जानते हैं। ठीक है, और इसको याद रखना कि कांग्रेस के अंतरिक्त ही बना था, कांग्रेस के अंदर बना था, कांग्रेस के बाहर ही एसोसिएशन फॉर्म नहीं हुआ था। नेक्स्ट देखो, कांग्रेस के मंत्रिमंडलों के बोल सकते त्याग पत्र के बाद कांग्रेस को वार्षिक अधिवेश मार्च 1940 में रामगढ़ बिहार में आयोजित किया गया था, जिसमें ब्रिटिश सरकार के समक्ष यह प्रस्ताव रखा गया कि केंद्र में अंतरिम सरकार को क्या किया जाएगा? गठित किया जाएगा। तो 1940 का जो सेशन हुआ था, उस सेशन में बोल सकते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने क्या मांग रखी गई थी? इंटरिम सरकार की या इंटरिम गवर्नमेंट की क्या रखी थी उन लोगों ने? मांग रखी थी। अब नेक्स्ट देखो, लॉर्ड बोल सकते लेटिंग गो जो द्वितीय विश्व युद्ध में कांग्रेस का सहयोग प्राप्त करने के लिए उनके समक्ष एक प्रस्ताव रखा, जिसको अगस्त प्रस्ताव के नाम से दिया गया। उसमें अंतरिम सरकार को गठन करने की मांग को खारिज कर दिया गया। अगस्त प्रस्ताव में वो सदे अधुघोषित प्रावधान सम्मिलित थे। तो लॉर्ड लिंगिंगो पुट अ प्रपोजल बिफोर द कांग्रेस टू लेट इट सपोर्ट इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर विच वॉज नेम्ड अगस्त प्रपोजल इन विच द डिमांड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट वॉज रिजेक्टेड। द अगस्त प्रपोजल इंक्लूडेड द फॉलोइंग प्रोविजन। तो कौन कौन से प्रोविजन? अब देखो, सबसे पहली चीज की जो लॉर्ड लिंगिंगो थे उस टाइम पे, वो कौन थे? ठीक है, तो हम लोगों ने देखा था कि इसके पहले एरविन थे, एरविन के बाद में हमको देखने को बोला 1936 से बोल सकते 1944 में एरविन के बाद में कौन बने थे? हमारे वेलिंगटन बने थे। फिर वेलिंगटन किस ईयर में वॉइसरॉय के पद से हट गए थे? 1936 में हट गए थे। और 1936 से 1944 के बीच में कौन वॉइसरॉय थे? तो लॉर्ड लिंडिंगो थे। ठीक है, तो लिंडिंगो जो थे वो किस ईयर में वॉइसरॉय बने थे? तो 1936 में वो वॉइसरॉय बने थे। अब यहाँ पे हम लोगों की बात आती है, अब उस टाइम पे क्या होता है, 1939 के टाइम पे आप लोग देखोगे, 40 के टाइम पे देखोगे, तो उस टाइम पे फर्स्ट वर्ल्ड सेकेंड वर्ल्ड वॉर की स्टार्टिंग हो जाती है। जो जर्मनी है वो सबसे पहले किस पे अटैक कर देता है? सेकेंड वर्ल्ड वॉर की स्टार्टिंग कैसे हुई थी? सबसे पहले किसने किस पे अटैक किया था? जर्मनी ने पोलैंड पे अटैक किया था।
ठीक है। और इसके बाद में फिर हम लोगों ने देखा कि ब्रिटिशर्स ने जर्मनी के ऊपर अटैक कर दिया था, तो वो पूरी की पूरी साइकिल होना स्टार्ट हो गई थी। तो ये चीज उस टाइम पे चल रही थी। अब देखो यहां पे पूरा का पूरा सर्कमस्टेंस समझने की कोशिश करना, जो यूएसए था वो अपने स्ट्रेटेजिकल मूव के लिए इंडिया को यूज करना चाहता था। मतलब कि सीधी बात ये थी कि यूएसए नहीं चाहता था कि जो बोल सकते इंडिया वाले, वो इंडिया वाले अगर एक्सिस पावर का सपोर्ट करे, या एक्सिस पावर, दो पावर्स के बीच में लड़ाई हो रही थी, एक अलाइज थे और दूसरे कौन से थे, एक्सिस पावर थे। तो अलाइज में हमारे यूएसए और जो ब्रिटेन था वो एक साथ में लड़ रहे थे, ठीक है। उस तरफ बोल सकते कि हमारे जर्मनी था, इटली था और जापान था, जो मतलब एक्सिस पावर के खिलाफ था। तो उस टाइम पे जो लॉर्ड लिंगेनडो थे वो भी चाहते थे कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा है उस सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इंडिया के लोग उस वॉर में ब्रिटेन का साथ दे, ठीक है। तो इसके लिए उन लोगों ने एक प्रस्ताव को जाहिर किया था, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, अगस्त प्रस्ताव के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो वो अगस्त प्रस्ताव में बहुत सारी चीजें बता के रखी थी कि अगर हम लोग एक तरीके से बोल सकते हैं कि एक तरीके से ये वॉर जीत जाते तो आपके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बना के दे देंगे। इंटरिम गवर्नमेंट की बात की गई थी, तो इंटरिम गवर्नमेंट को हटा दिया गया था, ठीक है। तो इस तरीके की चीजें, पर इंटरिम गवर्नमेंट की जगह या इंटरिम सरकार की जगह उन्होंने एक चीज की बोला था कि हम लोग डोमिनेंट स्टेटस दे देंगे, आप लोग डोमिनेंट स्टेटस दे देंगे। क्या कांग्रेस के लोग उस प्रस्ताव से खुश होंगे क्या? क्या उनको डोमिनेंट स्टेटस चाहिए क्या? अब वो तो 1929 से मांग रहे डोमिनेंट स्टेटस, और 1929 पे ही बोल सकते हैं कि उस टाइम पे जवाहरलाल नेहरू ने किसकी घोषणा कर दी थी, पूर्ण स्वराज की घोषणा कर दी थी। तो बहुत भैया वो तो बहुत पुरानी चीजें हो गई, जब हम मांग रहे थे जब तो दे नहीं रहे, और अब देने के लिए तैयार हो। तो वो चीज के लिए क्या होगा, जो अगस्त ऑफर था उसको बोल सकते कि हमारे कांग्रेस के लोगों ने क्या कर दिया था, ठुकरा दिया था, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं कांग्रेस में किस किस, कांग्रेस जो अगस्त प्रस्ताव था या अगस्त ऑफर था उसमें क्या क्या चीजें हमको देखने को मिली थी। क्या बोल के रखा था, अगस्त ऑफर इंक्लूडेड द फॉलोइंग प्रोविजन, कौन कौन से प्रोविजन थे, कि युद्ध के बाद में एक प्रतिनिधि मूलक संविधान नियंत्रित संख्या का क्या कर दिया जाएगा, गठन कर दिया जाएगा, या आफ्टर द वॉर अ रिप्रेजेंटेटिव कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी विल बी फॉर्म्ड। मतलब कि जब वॉर खत्म हो जाएगी तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल मेकिंग बॉडी को क्या करा जाएगा, फॉर्म किया जाएगा, ठीक है। तो पहला अगस्त ऑफर में हमको ये देखने को मिला, इस तरीके का प्रस्ताव। ये किसने दिया था, लॉर्ड लिंगिंगडो ने ब्रिटिश साम्राज्य की, ब्रिटिश सरकार की तरफ से ये चीज बोली थी कि अगर आप वॉर में साथ देते हो तो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो आपको वॉर खत्म होने के बाद में कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए एक बॉडी बना के देगी, जिसमें आपका खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाएगा। इस तरीके के प्रस्ताव रखे गए थे। दूसरा क्या बोल के रखा, अ वॉर बोल सकते हैं एडवाइजरी काउंसिल विल बी एस्टेब्लिश, कि एक युद्ध सलाहकार परिषद की भी स्थापना वो लोग करेंगे, ठीक है। वॉइसरॉय कार्यकारी परिषद की विस्तार, या बोल सकते भारतीय की संख्या बढ़ा दी जाएगी, जिसको द वॉइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल विल बी एक्सपेंडेड, द नंबर ऑफ इंडियन विल बी इंक्रीज। तो जो वॉइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसमें जो इंडियंस है उनकी नंबर को बढ़ा दिया जाएगा। अभी हमको कितने वॉइस उसमें वॉइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कितने लोग इंडियन देखने को मिलते हैं, दो देखने को मिलते थे, तो उन्होंने बोला दो से हम लोग वैल्यू को बढ़ा देंगे, ठीक है। फिर इसके बाद बोला द अगस्त प्रपोजल वॉज रिजेक्टेड बाय कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग ऑल्सो रिजेक्टेड द प्रपोजल बिकॉज द डिमांड ऑफ पाकिस्तान वॉज नॉट क्लियरली एक्सेप्टेड। तो कांग्रेस के द्वारा अगस्त प्रस्ताव को क्या कर दिया गया, मतलब कि उसका स्वीकार नहीं किया गया, और कांग्रेस के साथ साथ जो मुस्लिम लीग थी उसने भी उसको क्या कर दिया था, प्रस्ताव को मतलब खारिज कर दिया था। उन्होंने भी अगस्त ऑफर को मानने से या अगस्त प्रस्ताव को मानने से मना कर दिया था। क्यों मना कर दिया था, क्योंकि उस टाइम पे 1940 में जो कांग्रेस लीग या मुस्लिम लीग थी वो किसकी मांग करना स्टार्ट कर दिया था, पाकिस्तान की मांग करना स्टार्ट कर दिया था। अब ये पाकिस्तान की मांग कैसे स्टार्ट हुई इसके बारे में देखो, तो मुस्लिम लीग और पाकिस्तान की मांग, अब देखो थोड़ा सा यहाँ पे एक स्टोरी समझ लो, इसके बाद हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। अब देखो जब 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, उसमें इलेक्शन की चीजों को बदल दिया गया कि अब इलेक्शन कैसे होंगे, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 एक्ट के हिसाब से होंगे, इतना समझ लो, ज्यादा हम लोग डीप में नहीं जा रहे। अब कोई भी इलेक्शन होंगे तो नए एक्ट के हिसाब से होंगे ना, तो उस टाइम पे नया एक्ट कौन सा आया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 एक्ट। अब स्टार्टिंग में जब आप देखोगे तो मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने उस एक्ट को मानने से मना कर दिया था, क्योंकि उसमें डोमिनेंट स्टेटस की बात नहीं रखी थी, उसमें डोमिनेंट स्टेटस भी नहीं दिया गया था, ना ही इंटरिम सरकार की बात की गई थी। अब जो कांग्रेस के लोग हैं या ब्रिटिश बोल सकते मुस्लिम लीग के लोग हैं वो उस टाइम पे खुश रहेंगे कि नहीं होंगे, नहीं थे, तो वो उस एक्ट को नहीं मान रहे थे। पर लगभग 2 साल के बाद जब इलेक्शन हुए, तो अगर आपसे कोई पूछा जाए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के बाद पहला इलेक्शन किस ईयर में हुआ था, तो किस ईयर में हुआ गया था, 1937। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बाद में पहला इलेक्शन कब हुआ था, उस एक्ट के बाद में,
1937 के में इलेक्शन हुआ था, तो उस इलेक्शन में क्या कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने पार्टिसिपेट किया था? हाँ किया था। पहले उन्होंने 1-1.5 साल उस एक्ट को मानने से मना कर दिया था, पर बाद में उनको समझ में आता था कि भैया बढ़िया एक्ट कर लेते हैं इसमें शामिल। तो उस टाइम पे जब कांग्रेस ने इसको कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने इसमें पार्टिसिपेट किया, तो कांग्रेस ने बहुत सारी जगह पे इंडिया में जितनी भी ज्यादातर जगह थी, मुंबई वगैरह हुआ, बंद्रास वगैरह हुआ, तो वहां पे ज्यादातर कौन सी पार्टी जीती थी? कांग्रेस पार्टी जीती थी। ठीक है, अब जो मुस्लिम लीग है वो ज्यादातर किस एरिया में थी? सिंध वाले एरिया में हमको ज्यादातर मुस्लिम पॉपुलेशन देखने को मिलती थी, और एक नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में हमको मुस्लिम ज्यादा देखने को मिलते थे। अब उस इलेक्शन में ये हुआ कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंट जो प्रोविंस थी और सिंध थी, वहां से भी मुस्लिम नहीं जीत पाए। मतलब मुस्लिम लीग दोनों, मतलब जहां पे मुस्लिम लोग ज्यादा थे उस जगह से भी मुस्लिम लीग नहीं जीत पाई थी। ये चीज क्लियर हो गई? जब मुस्लिम लीग उस जगह से भी, अब आप मान के चलो कि पूरे इंडिया में तो मुस्लिम लीग ज्यादा है नहीं, पर वो दो जगह पे हम लोगों ने देखा था कि वहां पे मुस्लिम लीग ज्यादा देखने को मिलती है, ये वाला एरिया में, ठीक है, जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में आता है, और सिंध वाला एरिया, ठीक है। तो यहां पे मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा थी, पॉपुलेशन ज्यादा होने के बाद मुस्लिम लीग को जीतना चाहिए था ना, पर वो वहां पे नहीं जीत पाए। तो जो मोहम्मद अली जिन्ना थे उनको समझ में आ गया था कि भैया कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, तो कुछ ना कुछ करने के चक्कर में उन्होंने दो लोगों को अपॉइंट किया था एक तरीके की रिपोर्ट बनाने के लिए। उस रिपोर्ट को बोला जाता है कि बोल सकते कि किस तरीके से जो बोल सकते ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो बोल सकते कि मुस्लिमों के ऊपर कैसा एट्रोसिटीज कर रही है। तो लगभग बोल सकते उस रिपोर्ट का नाम क्या था? द एट्रोसिटीज पुट ऑन मुस्लिम बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, एक तरीके की ये रिपोर्ट बनाई गई थी। तो इस रिपोर्ट को बनाने के लिए हम लोग आगे देखेंगे दो लोगों को अपॉइंट किया गया था। किसने अपॉइंट किया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने अपॉइंट किया था, ठीक है। और उसी टाइम पे जब वो मुस्लिम लीग के वो दो लोग रिपोर्ट बना रहे थे, उसी टाइम पे कुछ जो स्टूडेंट वगैरह थे जो लंदन में था, उस टाइम पे पाकिस्तान की सबसे पहले मांग की गई थी कि अगर बोल सकते हैं कि ये मतलब इंडिया जो है इसमें हमारे मतलब खुद की पॉपुलेशन होने के बाद भी हम लोग नहीं जीत पा रहे, तो अब हमको क्या चाहिए? अलग से एक देश बना के दो। तो उस टाइम पे बोल सकते कि मुस्लिम लीग ने अपने आप अपने लिए एक अलग से देश मांगने की कोशिश की थी, जिसको आगे जाके किस नाम से जाना जाता था? पाकिस्तान के नाम से जाना जाता। ये स्टोरी क्लियर हो गई? तो मुस्लिम लीग ने किस तरीके से अपने एक देश की या पाकिस्तान की मांग की थी। तो जब 1937 में इलेक्शन हुए थे तो जो उनका पॉपुलेशन, जहां पे मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा थी, उस वाले एरिया में भी वो नहीं जीत पाए थे, ठीक है। तो जो हमारे मोहम्मद अली जिन्ना है, उन्होंने एक रिपोर्ट बोल सकते कि दो लोगों को रिपोर्ट बनाने के लिए कहा गया था, जिसमें बोला गया था कि उसमें द एट्रोसिटीज पुट बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑन द मुस्लिम्स, इस तरीके की रिपोर्ट जाहिर की थी, और कुछ लोगों ने पाकिस्तान की मांग करी थी उस टाइम पे, ठीक है। इस कारण पाकिस्तान अलग से देश की मांग की गई थी 1937 के इलेक्शन के बाद में। तो ये चीज कब देखने को मिल रही थी? ये रिपोर्ट कब सबमिट हुई थी? 1940s के टाइम पे, ठीक है। तो इसको हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अब देखो, कवि और राजनीतिक चिंतक बोल सकते कि महमूद इकबाल को प्रातः मुसलमानों के लिए राष्ट्र के विचार का प्रतीक माना जाता है। बोल सकते कि सर्व इस्लाम की भावना को प्रेरित होकर इकबाल ने 1930 लीग में इलाहाबाद अधिवेश में बोल सकते दो राष्ट्र की सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। पोएट एंड द पॉलिटिकल थिंकर जो कौन है? मोहम्मद इकबाल। कौन है हमारे? मोहम्मद इकबाल इज ऑफ्टन कंसीडर्ड टू बी द ओरिजिनेटर ऑफ द आइडिया ऑफ सेपरेट नेशन फॉर द मुस्लिम। तो 1930 का जब मुस्लिम लीग का बोल सकते कि एक तरीके से सेशन हुआ था होगा, उस सेशन में मोहम्मद इकबाल ने सेपरेट नेशन की बात की थी। कब की थी? 1930 में ही कर दी थी। इंस्पायर्ड फ्रॉम द बोल सकते स्पिरिट ऑफ पैन इस्लाम, इकबाल प्रोपोगेटेड द थ्योरी ऑफ टू नेशन इन द इलाहाबाद सेशन ऑफ द लीग ऑफ 1930। तो जो मुस्लिम लीग की इलाहाबाद की सेशन हुआ था 1930 में, उसमें किसकी बात की गई थी? दो नेशन की बात की थी, सेपरेट नेशन की बात की थी, कि इंडिया से हमारा जो मुस्लिम वाला एरिया है उसको क्या कर दिया जाए? अलग कर दिया जाए। नेक्स्ट देखो, 1933 या 35 के बीच में कैम्ब्रिज में पढ़ने वाले चौधरी रहमत अली नामक एक मुसलमान छात्र ने पाकिस्तान शब्द को मतलब सबसे पहले इस्तेमाल किया था। इसके बोल सकते काल्पनिक पाकिस्तान में पंजाब, अफगान प्रांत, कश्मीर, सिंध, तलब बलूचिस्तान को शामिल होना चाहिए था। तो ये चीज याद रखना कि जो पाकिस्तान वाला शब्द है वो एक स्टूडेंट ने दिया था। जो पाकिस्तान शब्द सबसे पहले इस्तेमाल किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? एक पाक बोल सकते हैं कि कैम्ब्रिज में पढ़ने वाला लड़का, जो कि बोल सकते हैं कि एक छात्र था जिसका नाम क्या था? चौधरी रहमत अली, ठीक है। उसने सबसे पहले पाकिस्तान की मांग की थी कि हमारा जो बोल सकते हैं कि जो इंडिया है उससे जो मुस्लिम वाला एरिया जहां पे मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा है उसको क्या कर देना चाहिए? अलग कर देना चाहिए, और उसको क्या नाम दे देना चाहिए?
पाकिस्तान, और उस पाकिस्तान में कौन कौन सा एरिया जाना आना चाहिए? पंजाब वाला एरिया, अफगान प्रांत वाला एरिया, कश्मीर वाला एरिया, सिंध वाला एरिया और बलूचिस्तान वाला एरिया। ठीक है, तो इस तरीके की मांग रखी गई थी। तो इस प्रस्ताव को रूपरेखा तैयार करने के लिए फजलुल हक और सिकंदर रहत खान से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो मैंने आपको बताया था कि बोल सकते हैं मोहम्मद अली जिन्ना ने दो लोगों को अपॉइंट करा था एक तरीके की रिपोर्ट बनाने के लिए। तो वो रिपोर्ट बनाने वाले दो लोग कौन थे हमारे? फैजुल हक और सिकंदर रहत खान। तो इन दोनों ने रिपोर्ट सबमिट की थी, और रिपोर्ट में सबमिट करने के बाद बताया था कि भैया पाकिस्तान एक अलग से नेशन होना चाहिए जिसको हम लोग किस नाम से बुलाएंगे? पाकिस्तान नाम के बुलाएंगे। क्लियर हो गया ये चीज। अब नेक्स्ट देखो, 23 मार्च 1940 में मुस्लिम लीग को वार्षिक अधिवेश लाहौर समाप्त हुआ। इस अधिवेश में पाकिस्तान का प्रस्ताव रूप से प्रचलित किया गया। इस अधिवेश में अध्यक्षता किसने की थी? जिन्ना ने की थी। तो 23 मार्च 1940 में जो बोल सकते मुस्लिम लीग का एनुअल सेशन हुआ था, उस सेशन में किसकी मांग की गई थी? हमारे पाकिस्तान का जो बोल सकते कि जो प्रपोजल है उसको पास करने की मांग की गई थी। ठीक है, तो जब प्रपोजल पास किया गया उसी टाइम पे हमको अगस्त प्रस्ताव देखने को मिला। तो अगस्त प्रस्ताव में क्या पाकिस्तान की मांग को पूरी किया गया था? नहीं किया गया था। तो मोहम्मद अली जिन्ना क्या अगस्त ऑफर को या अगस्त प्रस्ताव को मानेंगे? नहीं मानेंगे। तो इसलिए हम लोग देखते हैं कि कांग्रेस ने गांधी जी के चक्कर में उसको प्रस्ताव को नहीं माना था, क्योंकि उसमें डोमिनेंट स्टेटस की बात की गई थी कि अब लोग हमको डोमिनेंट स्टेटस नहीं चाहिए, अब हमको क्या चाहिए? पूर्ण स्वराज चाहिए। तो ये किसके कारण कांग्रेस ने उसको बोला अगस्त प्रस्ताव को नहीं माना था, और मुस्लिम लीग ने क्यों नहीं माना था? क्योंकि उसमें पाकिस्तान से रिलेटेड कोई भी चीज नहीं दे के रखी थी। ये चीज क्लियर हो गई। तो अब आपसे कोई पूछेगा कि अगस्त ऑफर या अगस्त प्रस्ताव जो था उसमें कांग्रेस ने क्यों मतलब पार्टिसिपेट नहीं किया था, या कांग्रेस ने उसको क्यों नहीं माना था? कांग्रेस ने अगस्त ऑफर को क्यों नहीं माना था? क्योंकि उस प्रस्ताव में डोमिनेंट स्टेटस की बात की गई थी, पर उस टाइम पे अब कांग्रेस के लीडर्स को क्या चाहिए था? पूर्ण स्वराज चाहिए था। और मुस्लिम लीग के लोगों ने अगस्त ऑफर को या अगस्त प्रस्ताव को क्यों मतलब खारिज किया था? क्योंकि मुस्लिम लीग की उस टाइम पे जो रिपोर्ट पेश की गई थी, या उस टाइम पे जो बोल सकते सेशन हुआ था, उसमें पाकिस्तान का प्रपोजल पास हो गया था, क्योंकि अब उनको इंडिया से अलग करके एक अलग से देश चाहिए था जिसको वो किस नाम से बुलाना चाहते थे? पाकिस्तान के नाम से बुलाना चाहते थे। ठीक है, तो ये चीज क्लियर रखना। अब नेक्स्ट देखो, द डिमांड ऑफ द सेपरेट पाकिस्तान वॉज फर्स्ट इनिशियली रिकॉग्नाइज इन 1942 इन द क्रिप्स प्रपोजल। द प्रपोजल प्रोवाइडेड दैट इफ एनी स्टेट ऑफ ब्रिटिश इंडिया वॉन्टेड टू सेपरेट फ्रॉम द इंडियन रिपब्लिक इट वुड बी इंडिपेंडेंट। अब जो मांग वो 1930 में उन्होंने प्रस्ताव रखा था कि दो सेपरेट नेशन होना चाहिए, फिर वही रिपोर्ट किस ईयर में सबमिट हुई? 1940 में अगस्त ऑफर आया तो उसमें पाकिस्तान की मांग पूरी नहीं हुई, पर वही मांग जो थी वो किस मिशन में हमको देखने को मिली? क्रिप्स मिशन में देखने को मिली, जो कि किस ईयर में आया था? 1942 में आया था। ठीक है, तो पृथक पाकिस्तान की मांग पहली बार शार्षिक मान्यता 1942 में क्रिप्स प्रस्ताव में मिली। उस क्रिप्स प्रस्ताव में क्या बोला गया था कि व्यवस्था की गई थी कि ब्रिटिश भारत को कोई भी राज यदि भारतीय गणराज्य से अलग होना चाहे तो उसे आजादी मिलेगी। तो उस टाइम पे ये क्रिस मूवमेंट के टाइम पे पाकिस्तान की मांग को मान लिया गया था कि अगर किसी भी स्टेट को अगर पाकिस्तान इंडिया से अलग होना है तो उसको कैसा होना पड़ेगा? इंडिपेंडेंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके की मांग हमको किस मूवमेंट में देखने को मिली? क्रिस मिशन में देखने को मिली, जिसको हम लोग आगे देखेंगे। नेक्स्ट देखो, 23 मार्च 1943 को लीग द्वारा पाकिस्तान दिवस मनाया जाता। तो उन लोगों ने 23 मार्च जो था उसको किस नाम से बुलाने लगे? वो लोग पाकिस्तान दिवस के नाम से बुलाने लगे। सरकार की बांटो और राज करो की नीति में पृथक पाकिस्तान की मांग को संरक्षण प्रदान किया था। द गवर्नमेंट पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल प्रोवाइडेड प्रोटेक्शन टू द डिमांड्स ऑफ अ सेपरेट पाकिस्तान। तो जो हमारे बेसिकली देखा था कि पाकिस्तान मतलब क्यों डिवाइड हुआ था, कि कांग्रेस जो ब्रिटिशर्स थे वो अलग करना चाहते थे, फूट डालकर शासन करना चाहते थे। जो नीति थी वो लगभग लगभग ब्रिटिशर्स का जो प्लान था वो क्या होने वाला था? कंप्लीट होने वाला था पाकिस्तान को अलग करके। ठीक है, अब देखो यहां पे जब इस तरीके की मांग की गई तो उस टाइम पे एक इंडिविजुअल सत्याग्रह को ऑर्गेनाइज करवाया। किसने करवाया? गांधी जी ने करवाया। तो जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? व्यक्तिगत सत्याग्रह को करवाया। अब इसके पीछे का रीजन समझो कि गांधी जी ने इंडिविजुअल सत्याग्रह को क्यों ऑर्गेनाइज करवाया था। एक बड़े अगर हम लोग देखें तो 1940s के टाइम पे जो सेशन हुआ था मतलब कांग्रेस का, उस सेशन में गांधी जी को सभी नेताओं ने बोला था कि अब हमको एक बड़े लेवल का आंदोलन ऑर्गेनाइज करना चाहिए, पर गांधी जी ने बड़े लेवल का ऑर्गेनाइज ना करके एक छोटे लेवल का ऑर्गेनाइज कर दिया, जिसको हम लोग व्यक्तिगत सत्याग्रह के नाम से जानते हैं। छोटे लेवल का स्टार्ट क्यों किया गांधी जी ने?
अब देखो गांधी जी उस टाइम पे लगा रहे थे बहुत जोर से दिमाग, कैसे दिमाग लगा रहे थे उस टाइम पे, क्या चल रहा था, वर्ल्ड वॉर टू चल रहा था। अब वर्ल्ड वॉर टू के टाइम पे गांधी जी ना ही ब्रिटिशर्स के साथ में थे और ना ही वो एक्सिस पावर के साथ में थे। एक्सिस पावर के साथ में क्यों नहीं थे, क्योंकि एक्सिस पावर में मेन जो लड़ाई कर रही थी कंट्री वो कौन सी थी, जर्मनी थी। और जर्मनी में हिटलर ने जो नाजिज्म किया था, नाजिज्म के बारे में पढ़ा है आप लोगों ने, तो जो भी बोल सकते हैं कि जनसंहार किया गया था उस टाइम पे नाजी लोगों के साथ जो अत्याचार हुआ था, उससे गांधी जी बिल्कुल भी खुश नहीं थे और वो नहीं चाहते थे कि जो एक्सिस पावर है वो इस वर्ल्ड वॉर में जीते, क्योंकि अगर ये एक्सिस पावर जीत जाएगी तो मानवता की एक तरीके से हार होगी, क्योंकि जो चीज जर्मनी में हमको देखने को मिलती थी वो एक तरीके से बहुत बड़ा जुर्म था, उसको गांधी जी ने कभी भी एक्सेप्ट नहीं करा जर्मनी से, इसलिए उन्होंने कभी भी संबंध बनाने की कोशिश नहीं किए थे। पर उसी टाइम पे हम लोग देखे तो जर्मनी से संबंध बनाने के लिए, रिलेशन बनाने के लिए कौन गए थे, ठीक है, तो हमारे जो फॉरवर्ड ब्लॉक थे उसको एक आर्मी बनाने के लिए उनके पास गए थे। बेसिकली वो गए तो थे मतलब हिटलर के पास में, किस तरीके के जो वॉर प्रिजनर्स होते थे ना उन मतलब वो जब गए थे हमारे सुभाष चंद्र बोस, तो सबसे पहले आपने स्टोरी देखी भी हो, तो जब वो ऑफिस में बैठे थे तो जो हिटलर था, हिटलर ने अपने तीन अलग बहरूपिया बना के रखे थे, ठीक है, उसके जैसे डुप्लीकेट लिखते थे बिल्कुल भी। तो जो हमारे सुभाष चंद्र बोस थे वो इसलिए इंप्रेस हुए थे, पहली बात तो हिटलर किसी से मिलता नहीं था, पर उसने सुभाष चंद्र बोस से मिला क्योंकि वो बहुत इंटेलिजेंट आदमी लगे उनको, क्योंकि उनके सामने से लगभग बोल सकते कि जब वो बाहर कैबिन में इंतजार कर रहे थे, कैबिन के बाहर, तो उनके सामने से तीन डुप्लीकेट्स निकले थे, तो वो तीनों डुप्लीकेट्स के निकलने के टाइम पे खड़े नहीं हुए, और जैसे ही ओरिजिनल हमारा एडोल्फ हिटलर आया था उस टाइम पे वो खड़े होके उन्होंने उसको सल्यूट किया था या उसकी रिस्पेक्ट की थी, तो वो एकदम से मतलब कि एक तरह वो चौंक गया था कि भैया इसने मेरे को पहचाना कैसे, क्योंकि पहली बार वो देख रहे थे, उस टाइम पे सोशल मीडिया तो चलता नहीं था कि फोटो देख के चले जाओगे, पर उन्होंने पहचाना कैसे, तो वो उनकी इंटेलिजेंसी थी कि उन्होंने एक तरीके से बताया था कि कोई भी हिटलर जो है वो कभी भी कोई इंसान अगर उनके कैबिन के बाहर बैठा है तो उसको देखेगा नहीं, तो जितने भी तीन लोग आए थे वो सारे के सारे उनको घूर के गए थे या जो भी बाहर बैठा है उसको देख रहे थे कि कौन कौन बैठा है, पर जो एडोल्फ हिटलर था वो अपने मतलब कि एक एटीट्यूड में था और डायरेक्टली जब वो ऑफिस के अंदर डोर के अंदर आया तो डायरेक्टली अपने कैबिन की तरफ उसने देखा, ना कि किसी और की तरफ देखा कि कौन बैठा हुआ है, तो उस चीज से गांधी जी मतलब बोल सकते हैं सुभाष चंद्र बोस पहचान गए थे कि ये एक्चुअल आदमी है, तो उस टाइम पे उन्होंने सल्यूट किया और वो चीज फिर उनको एडोल्फ हिटलर को अच्छी लगी। वो अपॉइंटमेंट किसी को देते नहीं थे पर उन्होंने 5 मिनट के अंदर अंदर उनको अपॉइंटमेंट दिया और उनके बीच में बात हुई और बेसिकली बहुत लंबी चौड़ी बात हुई थी, पर आखिरी में कंक्लूजन ये निकला था कि सुभाष चंद्र बोस ने इतना बोला था एडोल्फ हिटलर से कि हम लोग जो है वो आपके साथ में एक्सेस पावर का साथ देने के लिए तैयार है, पर आपने इंडिया या जापान के वाले एरिया से जो ब्रिटिश की तरफ से लड़ रहे थे, जिनको वॉर प्रिजनर बनाया है, जो ब्रिटिश सरकार की तरफ से जो हमारे इंडिया के लोग लड़ रहे थे, जो हार चुके हैं आपसे, जो कैदी हैं आपके, वो मुझको दे दिया जाए, मैं उससे एक हिंद मतलब आजाद की हिंद फौज बनाऊंगा और जो कि किसकी तरफ जाएगी, इंडिया की तरफ आक्रमण करेगी। तो इस तरीके की बात उनके बीच में हुई थी। ये सारी की सारी चीजें हमको किसमें देखने को मिलती है, सुभाष चंद्र बोस की बायोग्राफी आप पढ़ोगे या उनके बारे में जानने की कोशिश करोगे तो और ज्यादा डीप में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो उस चीज को हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि जो गांधी जी थे वो नहीं चाहते थे कि एक्सिस पावर जीते या जर्मनी जीते, क्योंकि अगर वो जीत जाएगी तो मानवता की एक बहुत बुरी हार होगी, क्योंकि जिस तरीके की जनसंहार उन्होंने किया है हो सकता है कि वो बाकी की जगह भी करें, अगर जर्मनी में कर रहे तो बाकी की जगह भी कर सकते हैं वो चीज, ठीक है। तो और गांधी जी ये भी नहीं चाहते थे कि हम लोग ब्रिटिशर्स का बिल्कुल साथ दें, क्योंकि अगर आप बात करो तो लॉर्ड लिंडिनगो जो थे उन्होंने अनाउंस कर दिया था कि जो इंडिया के लोग हैं वो ब्रिटिशर्स का वर्ल्ड वॉर टू में साथ दे रहे हैं, तो गांधी जी को ये चीज बतानी भी तो पड़ेगी वर्ल्ड में कि भैया हम लोग ब्रिटिशर्स के साथ में नहीं है, ठीक है, ब्रिटिशर्स जबरदस्ती हमसे ये काम करवा रहे, तो उन्होंने छोटे लेवल का सत्याग्रह करवाया। अब वो ये भी नहीं चाहते कि बड़े लेवल का सत्याग्रह हो, क्यों, बड़े लेवल का सत्याग्रह हो गया तो ब्रिटिशर्स का क्या नुकसान होगा, ब्रिटिशर्स अभी कहां पे बिजी है, वर्ल्ड वॉर में बिजी है। अब वर्ल्ड वॉर में बिजी होने के कारण अगर इस वाले एरिया में अगर उनको वापस अगर मतलब इंडिया में अगर वो आंदोलन ज्यादा बढ़ गया तो उनको आर्मी को वापस बुलाना पड़ेगा ना उसको कंट्रोल करने के लिए, और अगर कहीं इंडिया में उनने काबू करने के लिए आर्मी को बुलाया कहीं वो एक्सिस पावर से हार गए तो गांधी जी दोनों तरफ सोच रहे थे कि वो नहीं चाहते थे कि एक्सिस पावर जीते और ये भी नहीं चाह रहे थे कि डायरेक्टली हम लोग ब्रिटिशर्स से क्या करें, ब्रिटिशर्स की तरफ से लड़े। तो उन्होंने एक छोटा सा आंदोलन स्टार्ट किया था जिसको हम लोग व्यक्तिगत सत्याग्रह के नाम से जानते हैं, इंडिविजुअल सत्याग्रह के नाम से जानते हैं। अब इस सत्याग्रह में होता क्या था, नॉर्मल सी चीजें होती थी, बड़े लेवल पे लोगों को ऑर्गेनाइज ना करके वो एक एक कैंडिडेट से बोलते थे कि आप जाओ वहां पे खड़े होकर बोल सकते कि सरकार के बारे में अपशब्द बोलो या बताओ कि सरकार किस तरीके से हमारा शोषण कर रही है,
ठीक है। तो पहले सबसे पहले उन्होंने किस कैंडिडेट को खड़ा किया, तो विनोबा भावे को खड़ा किया। उन्होंने बोला विनोबा भावे से, आचार्य विनोबा भावे से, कि आप जाओ एक जगह पे खड़े हो, रैली को निकालो, लोगों को संबोधित करो, सभा एक तरीके से ऑर्गेनाइज करो और लोगों को बताओ कि सरकार हमारे साथ क्या क्या गलत कर रही है। जब विनोबा भावे को मतलब बोल सकते कि अरेस्ट करके लेके गया, लेके तो इसके बाद किसको खड़ा कर दिया उन्होंने, दूसरे जवाहरलाल नेहरू को। तो इस तरीके से उन्होंने व्यक्तिगत सत्याग्रह को स्टार्ट किया था, जिसको हम इंडिविजुअल सत्याग्रह के नाम से जानते हैं। ये चीज क्लियर हो गई, समझ में आया ये सारी चीजें। तो ये प्रोस्पेक्टिव याद रखना कि गांधी जी ने बड़े लेवल का आंदोलन उस टाइम पे क्यों स्टार्ट नहीं किया था, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि ब्रिटिशर की जो आर्मी है इंडिया में बिजी हो जाए, और इंडिया में अगर उसकी आर्मी बिजी हो गई तो एक्सिस पावर से या जर्मनी से लड़ते लड़ते अगर वो हार गए तो भी दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। और वो जर्मनी को भी नहीं जीत मतलब एक्सिस पावर को भी नहीं जीतते देखना चाहते थे, तो इस तरीके से उन्होंने छोटे लेवल का सत्याग्रह स्टार्ट किया था। क्लियर हुआ सबको? अब देखो यहाँ पे, द कांग्रेस स्टार्टेड द इंडिविजुअल सत्याग्रह टू अपोज द अगस्त बोल सकते हैं प्रपोजल एंड टू प्रूव इटसेल्फ सेपरेट फ्रॉम द वॉर एंड द गांधीजी आइडियोलॉजी। तो सबसे पहले कांग्रेस में अगस्त प्रस्ताव के विरोध तथा युद्ध में अपने अपने को अलग सिद्ध करने के लिए व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ किया, जिससे यह विचारधारा गांधी जी की थी। तो जो मतलब अगस्त प्रस्ताव था उसके खिलाफ वो आंदोलन स्टार्ट हुआ था, और साथ में किसके लिए था कि हम लोग युद्ध में ब्रिटिशर्स के साथ में नहीं है, इसके लिए उन्होंने व्यक्तिगत सत्याग्रह को स्टार्ट किया था। क्योंकि मैंने आपको बताया कि लॉर्ड लैंडिंगो ने पहले अनाउंसमेंट कर दिया था, सब वर्ल्ड को बता दिया था कि इंडिया के लोग इस वर्ल्ड वॉर में हमारे साथ में, ठीक है। और अगर पूरे वर्ल्ड को, यूएसए वगैरह को अगर पता चल जाएगा कि ये इंडिया के लोग इसका साथ दे रहे हैं, तो वो क्या हमें आजाद होने में कभी मदद करेंगे क्या? तो इस तरीके की आइडियोलॉजी जो थी गांधी जी नहीं फैलाना चाहते थे, वो ये सिद्ध करना चाहते थे इस सत्याग्रह से कि हम ब्रिटिशर्स के साथ में भी नहीं है और खिलाफ में भी नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी। यह सत्याग्रह का मुख्य उद्देश्य यह था कि द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय जनता ब्रिटिश सरकार के साथ नहीं है, ठीक है। तो ये उनको बताना था, वर्ल्ड को बताना था, सबको बताने से पहले किसको बताना था, विश्व की जो कंट्रीज जो वर्ल्ड वॉर में लड़ रही है उनको ये बताना था कि हम ब्रिटिशर्स के साथ में नहीं है, ठीक है। पर गांधी जी अंदर ही अंदर ये चीज भी सोच रहे थे कि एक्सिस पावर नहीं जीतनी चाहिए, ठीक है। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह बोल सकते कि जो हमारा पनवार आश्रम जो कि से प्रारंभ हुआ था, जो कि किस ईयर किस डेट को स्टार्ट किया था उन्होंने, 17 अक्टूबर 1940 को विनोबा भावे पहले सत्याग्रह बने और दूसरे सत्याग्रह कौन थे हमारे, जवाहरलाल नेहरू। क्लियर हो गया? तो किस ईयर में स्टार्ट हुआ था, 1940 में स्टार्ट हुआ था, किस मतलब डेट पे स्टार्ट हुआ था, तो 17 अक्टूबर को। कहां से स्टार्ट हुआ था, तो पनवर आश्रम से स्टार्ट हुआ था, जो कि कहां पर है, महाराष्ट्र में। फिर इसके बाद दिस मूवमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड द दिल्ली चलो आंदोलन। तो इस आंदोलन को बाद में हम लोग किस नाम से जानते हैं, दिल्ली चलो आंदोलन। पर ये कंप्लीट नहीं हो पाया था, उन लोगों का क्या फेस स्टार्ट था कि जब विनोबा भावे को बोल सकते कि अरेस्ट कर लिया जाएगा, उस अरेस्ट के बाद में जवाहरलाल नेहरू को अरेस्ट किया जाएगा, उसके बाद हम लोग दिल्ली चलो आंदोलन को स्टार्ट करेंगे। तो ये फेजेस में चल रहा था, ठीक है। तो जब विनोबा भावे अरेस्ट हुए, जब जवाहरलाल नेहरू अरेस्ट हुए, इसके बाद उन्होंने कौन से मूवमेंट को स्टार्ट किया था, दिल्ली चलो आंदोलन को, ठीक है। ये जो मूवमेंट था वो छोटे लेवल का था, मैं आपको बता चुका हूं, बड़े लेवल का उन्होंने स्टार्ट नहीं किया था। वो नहीं चाहते थे कि पूरे इंडिया के लोग किसी आंदोलन में सम्मिलित रहो, तो इसलिए उन्होंने एक एक करके एक सत्याग्रह को मतलब बोल रहे थे कि आप जाके आंदोलन करो। जब वो अरेस्ट हो गए थे, दूसरे को ये बोल सकते कि बोल दिया कि आप जाके करो, फिर दूसरे हो गए तो तीसरे को कर दिया गया था। इस तरीके से अलग अलग जगह पे ये सत्याग्रह हो रहा था, ठीक है। और सत्याग्रह में कुछ नहीं होता था, वो सरकार के खिलाफ में ही बोलना रहता था, किस तरीके से वो शोषण कर रहे हैं, किस तरीके से हमारा फायदा उठा रहे हैं, ये सारी चीजें लोगों को बताई जाती थी, सभा में को बताई जाती थी। अब नेक्स्ट हमारा कौन सा है, क्रिस्प प्रस्ताव या क्रिस्प मिशन किस तरीके से। तो देखो, जापान्स राइवल नेशन वर ट्रबल बाय इट्स एवर इंक्रीजिंग पावर, कंट्रीज लाइक अमेरिका ऑस्ट्रेलिया एंड चाइना वॉज प्रेशराइजिंग ब्रिटेन टू फ्री इंडिया। एज अ रिजल्ट चर्चिल अनाउंस द क्रिस्प मिशन ऑन द March 11, 1942 एंड द क्रिस्प मूवमेंट सिंगल रिप्रेजेंटेटिव रीच इंडिया ऑन द March 23, 1942। तो अब क्या हुआ, जापान की लगातार बढ़ती हुई शक्ति से उसकी राष्ट्र को परेशान हो रहा था। अब यहाँ पे देखो, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो जो जापान वाला एरिया था ना, जो जापान जो था वो बहुत सारी जगह को लूटता जा रहा था। आपने देखा होगा थाईलैंड वाला एरिया को उसने लूट लिया था, ठीक है, म्यांमार वाले एरिया तक वो घुसने वाला था। तो जो हमारे बाकी के लोग थे, कौन कौन थे, यूएसए था, ये जो रशिया था, जो इंग्लैंड, ये दोनों बोल सकते कि मेन जो कंट्रीज थी, वो नहीं चाहती थी कि इंडिया के लोग जापान का साथ दें। और ये चीज भी याद रखना कि जापान के लोग इंडिया के जो महात्मा गांधी थे उनको बहुत मानते थे, ठीक है। जो जापान के आर्मी थे वो गांधी जी के बारे में, मतलब गांधी जी ये समझ लो कि वर्ल्ड लीडर थे, पूरे विश्व के लोग उनको जानते थे, इंडिया के लोग तो जानते ही थे, विश्व के लोग भी उनको जानते थे।
तो ये नहीं चाहते थे कि जापान का मदद लेके वो इंडिया जो है आजाद हो जाए, या किसी भी तरीके से जापान इंडिया को हत्या ले। तो उसी प्रेशर में यूएसए और रशिया ने किसके ऊपर दबाव डाला? ब्रिटेन के ऊपर, कि भैया आप इंडिया को आजाद कर दो। अगर इनको आजाद नहीं किया तो इन्होंने अगर जापान का साथ दे दिया तो वर्ल्ड वॉर और बढ़ जाएगी। तो इसलिए हमारे जापान वाला एरिया जब शक्ति गेन कर रहा था, या जब मतलब जगह को लूटता जा रहा था, तो उस टाइम पे जो रशिया वाला एरिया, रशिया जो था और यूएसए जो था, उसने जो पीएम थे ना हमारे ब्रिटेन के, जिनका नाम क्या था, चर्चिल जो थे, उनके ऊपर दबाव डाला कि भैया इंडिया को इंडिपेंडेंट करो, कैसे भी करो आप, या उनसे बात करो, जैसे भी उनको रिझाओ कि इस वर्ल्ड वॉर में हम आपके साथ में, या वो हमारा साथ में दे रहे हैं, इस चीज के लिए वो क्या करो, आप लोगों को उनको मनाओ। तो इस चीज के लिए उन्होंने क्या करा था, हमारे जो पीएम थे कौन थे उस टाइम पे, चर्चिल, उन्होंने किसको भेजा था, क्रिप्स को भेजा था। ठीक है, एक क्रिप्स सिंगल इंसान गया था, कहां पे आया था, इंडिया में आया था बात करने के लिए, उस मिशन को स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, तो क्रिप्स मिशन क्या था कि कुछ तरीके के प्रस्ताव जो थे वो इंडिया के सामने रखे गए थे, जैसे हमने अगस्त ऑफर में देखे थे ना कि कुछ प्रस्ताव रखे गए थे, तो उस प्रस्ताव के बारे में हमको देखने को मिलता है। ठीक है, तो अब ये चीज भी याद रखना कि 23 मार्च 1942 को कौन आया था, क्रिप्स आया था। अब यहाँ पे एक और थोड़ा सा अच्छा सा सीन बताता हूँ, 23 मार्च को वो आया, 26 मार्च 1942 को क्या था, इंदिरा गांधी की मैरिज थी। ठीक है, इंदिरा गांधी की शादी हो रही थी फिरोज खान के साथ में, जो शादी हुई थी, अब उस शादी में क्या हुआ, क्रिप्स आया और क्रिप्स ने महात्मा गांधी को वाटर सर्व किया, जैसे कि कोई करता है ना कि प्लेट के साथ में सर्व कर दिया। अब ये चीज चर्चिल को पता चल गई, चर्चिल को पता चला कि भैया ये काम के लिए भेजा था क्या तुम्हारे लिए, कि तुम पानी बांटते फिर रहे हो, वेटरों का काम कर रहे हो। तो ये चीज हमको देखने को मिली। तो जवाहरलाल नेहरू ने जो लॉर्ड लिंडन गो थे और जो क्रिप्स थे, उन दोनों को इंदिरा गांधी की शादी में बुलाया था, और जो हमारे क्रिप्स थे वो मतलब भारत, मतलब उधर से आते हुए गांधी जी को पानी पिलाते हुए दिख गए। ठीक है, तो ये चीज जब बोल सकते हैं कि हमारे पीएम चर्चिल को पता चली, तो वो गुस्सा हुए और उनको वापस बुला लिया कि भैया वापस आ जाओ तुम, ठीक है, तुमसे नहीं हो पाएगा। तो इस तरीके की चीजें हम लोगों को देखने को मिलती है। पर जब आया था तो लगभग उसने 3 दिन में क्रिस मिशन को स्टार्ट कर दिया था। तो क्रिस मिशन में क्या था, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव रखे गए थे। अब आपसे कोई पूछे कि डोमिनेंट स्टेटस की बात सबसे पहले किस ऑफर में हमको देखने को मिलती है, तो क्रिप्स ऑफर में देखने को मिलती है। क्रिप्स ने पहली बार लिखित में ये चीज दी थी कि हम इंडिया को डोमिनेंट स्टेटस प्रोवाइड कर देंगे। कब कर देंगे, वर्ल्ड वॉर टू के बाद में। ठीक है, तो ये चीज याद रखना, अभी तक ना ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में डोमिनेंट स्टेटस की बात की गई थी, ना ही कहीं लिखा गया था। पहली बार उसका लिखा हुआ चीज हमको कहां पे देखने को मिली थी, क्रिप्स मूवमेंट में देखने को मिली थी, या क्रिप्स मिशन में हमको देखने को मिली थी। ठीक है, तो क्रिप्स डिक्लेयर दैट द ऑब्जेक्टिव ऑफ ब्रिटिश पॉलिसी इन इंडिया इज टू एस्टेब्लिश सेल्फ रूल इन इंडिया एज वेल एज पॉसिबल, दैट इज आफ्टर द वॉर दैट इट इंडिया विल गिवन द डोमिनेंट स्टेटस। तो क्या बोला उन्होंने, क्रिप्स ने ये घोषणा की थी कि भारत में ब्रिटिश नीति का उद्देश्य है जितनी जल्द संभव हो सके भारत में स्व शासन की स्थापना की जाए, अर्थात युद्ध के बाद भारत को कैसी स्टेटस दे दिया जाए, डोमिनेंट स्टेटस दे दिया जाए। तो इस मकसद के रूप से, या लोगों को रिझाने के रूप से कौन आया था, क्रिप्स आया था। ठीक है, सेकंड उसने क्या बोला, आफ्टर द वॉर द अटेम्प्ट विल बी मेड टू फॉर्म एन इंडियन यूनियन विच विल हैव अ स्टेटस ऑफ फुल कॉलोनी एंड विल हैव द राइट टू सेपरेट फ्रॉम द कॉमनवेल्थ। मतलब कि उसने सीधी बात बोल दी थी कि हम आपको डोमिनेंट स्टेटस दे देंगे और जितने भी मेन मेन चीजें जैसे कि डिफेंस है, फाइनेंस है, ये सारी की सारी चीजें आप कौन हैंडल कर पाएगा, भारत के लोग हैंडल कर पाएंगे। अभी तक जो डिफेंस थी, आर्मी जो थी, वो कौन संभालता था, ब्रिटिशर्स संभालते थे। पर उन्होंने बोला था कि अगर आप हमारा साथ दोगे तो वर्ल्ड वॉर वन के बाद में ये डिफेंस, जो बड़े बड़े रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, ये फाइनेंस डिपार्टमेंट है, वो सब कौन संभाल सकता है, आप लोग संभाल सकते। ठीक है, तो डोमिनेंस स्टेटस की बात कर दी गई थी और उनको जितने भी मेन मेन सब्जेक्ट्स थे वो भी देने की बात हो गई थी। फिर नेक्स्ट क्या बोला, आफ्टर द वॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विल बी फॉर्म्ड विच विल इंक्लूड इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ब्रिटिश प्रोविंसेस एंड द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ नेटिव प्रिंसली स्टेटेड। अब यहाँ पे क्या बोला गया था कि हम आपको क्या बना के दे देंगे, एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना के दे देंगे, जो जिसका काम क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना। ठीक है, या संविधान बनाने के लिए उन्होंने किसको बनाने की बोल दी थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म करने की बात कर दी थी, जिसमें कौन कौन लोग होंगे, इसमें जो इलेक्ट मतलब ब्रिटिश प्रोविंस के लोग होंगे और साथ में जो प्रिंसली स्टेट है उनके लोग इसमें शामिल रहेंगे। ठीक है, तो इस तरीके के मिशन में हम लोगों की बात की गई थी, द गवर्नमेंट विल बी एबल टू इम्प्लीमेंट द कॉन्स्टिट्यूशन मेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ओनली ऑन द टू कंडीशन। क्या बोला उन्होंने कि संविधान सभा द्वारा निर्मित किए गए संविधान को सरकार दो शर्तों पर लागू कर सकेगी। कौन कौन सी दो शर्तें थी उनकी, कि जो प्रांत जिसके सहमत नहीं होंगे वह अस्वीकार कर पर्तवर्त स्थिति में रह सकते हैं और फिर वे स्वतंत्र रहना चाहते हैं, तभी ब्रिटिश सरकार कोई आपत्ति नहीं है,
पाकिस्तान की मांग के लिए उस व्यवस्था के तुरंत गुजारिश बनाई गई थी। ठीक है, तो इस तरीके की चीजें उस टाइम पे हमको शर्त रखी गई थी। दूसरी शर्त और क्या रखी थी कि भारतीय संविधान सभा तथा ब्रिटिश सरकार के मध्य अल्पसंख्यक के हितों में, जैसे कि बोल सकते सुरक्षा या प्रतिनिधित्व या विकास आदि को लेकर एक समझौता होगा। तो ये सारी की सारी चीजें क्रिस्प मूवमेंट में हमको देखने को मिलती है। ठीक है, तो क्रिस्प ने इस तरीके से बातें या बोल सकते हैं कि मिशन में एक तरीके से प्रस्ताव रखे थे जो कि इंडिया के लोगों को रिझाने के लिए थे कि अगर आप हमारा वॉर में साथ दोगे या वॉर में एक तरीके से ब्रिटिशर्स का साथ दोगे तो हम इस ये सारी सारी चीजें हम आपको करके दे देंगे। ठीक है, डोमिनेंट स्टेटस बना के दे देंगे, एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आपको बना के दे देंगे कि एक जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाएगा और कॉन्स्टिट्यूशन जो है संविधान जो है वो भारत का खुद का संविधान होगा। ठीक है, तो इस तरीके की बातें हमको देखने को मिली थी। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा ये कि उन्होंने ये बोला कि अ न्यू एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ द ब्रिटिश वॉइसरॉय वुड बी फॉर्म ड्यूरिंग द वॉर विच वुड इंक्लूड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द मेजर सेक्शन ऑफ द इंडियन पीपल बट द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस वॉज रिमेन विद द ब्रिटिश लीडरशिप। अब उन्होंने क्या बोला यहाँ पे कि युद्ध के दौरान ब्रिटिश वॉइसरॉय की एक नई कार्यकारी परिषद का गठन किया जाएगा जिसमें भारतीय जनता के प्रमुख वर्गों के प्रतिनिधि शामिल होंगे, लेकिन जो रक्षा मंत्रालय वो अभी भी किसके हिस्से में रहेगा, ब्रिटिश साम्राज्य के हिस्से में ही आएगा। कि जो आर्मी है उस आर्मी को कौन कंट्रोल करेगा, अभी भी ब्रिटिश कंट्रोल करेंगे। फाइनली द क्रिप्स टॉक्स विद द इंडियन लीडर्स फेल्ड बिकॉज देयर वॉज अ स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन ऑफ द डोमिनेंट स्टेटस इंस्टीड ऑफ द कंप्लीट इंडिपेंडेंस प्रेजेंस ऑफ द पीपल नॉमिनेटेड बाय द रूलर्स प्रिंसली स्टेटेड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली एंड द पॉसिबल पार्टीशन ऑफ इंडिया। तो अब इसमें हम लोगों ने देखा था कि पाकिस्तान को अलग से बंटवारे की बात कर दी गई थी कि जो अलग होना चाहते हैं वो क्या हो सकते हैं, भारत से अलग हो सकते हैं। तो इस चीज से कांग्रेस खुश होगी क्या, नहीं होगी, पहली चीज ये हो गई। और दूसरी, उसमें जो क्रिस्प था वो क्या देने की कोशिश कर रहा था, डोमिनेंट स्टेटस की बात कर रहा था, पर इंडिया के लोगों को तो क्या चाहिए था भैया, पूर्ण स्वराज चाहिए था, फुल इंडिपेंडेंस चाहिए था। तो क्या वो क्रिस्प मूवमेंट को एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, तो इसलिए क्रिस्प मूवमेंट भी क्या हो गया था, आगे जाके फेल हो गया था। ठीक है, तो कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने क्रिस्प प्रस्ताव को क्या कर दिया था, अस्वीकार कर दिया था। कांग्रेस द्वारा कहा गया कि केवल भविष्य में वादों में संतुष्टि नहीं मिलेगी, हमें तो वास्तविक स्वतंत्रता से संतुष्ट प्राप्त होगी। तो क्या बोला था उन्होंने, दैट द प्रॉमिस ऑफ द फ्यूचर विड नॉट सेटिस्फाई देम बट रियल इंडिपेंडेंस वुड सेटिस्फाई। तो जो बोल सकते हैं कि आप जो आश्वासन दे रहे हैं उससे हमको कोई भी संतुष्टि नहीं मिलेगी, अगर आप हमको आजादी दे के दोगे और पूर्ण स्वराज हमको दोगे तो ही हमको क्या मिलेगी, संतुष्टि मिलेगी। तो उनको डोमिनेंस स्टेटस नहीं चाहिए था, अब उनको क्या चाहिए था, पूर्ण स्वराज चाहिए था, फुल इंडिपेंडेंस की वो लोग मांग कर रहे थे कि आप बिल्कुल ही यहां से चले जाओ। ठीक है, हमको आप चाहिए ही नहीं, ना आप डिफेंस संभालो ना आप रेवेन्यू संभालो, सब सारे के सारा चार कौन संभालेगा, अब इंडियंस हम खुद ही संभाल लेंगे। ठीक है, तो द मुस्लिम लीग क्रिटिसाइजेस दिस प्रपोजल बिकॉज द डिमांड ऑफ द सेपरेट इलेक्टोरेट एंड पार्टीशन ऑफ कंट्री ऑन द कम्युनल बेसिस वी आर नॉट एक्सेप्टेड इन दैम। तो अगर हम लोग देखें तो जो पार्टीशन की बात करते, तो पार्टीशन की बात भी लगभग पूरी नहीं की गई थी इसमें, और लगभग बोल सकते जो सेपरेट इलेक्टोरेट है उस चीज की मांग भी इस बोल सकते क्रिस्प मूवमेंट में क्या कर दी गई थी, हटा दी गई थी। ठीक है, तो इसलिए जो मुस्लिम लीग के लोग हैं वो भी इसको क्या कर दिया था, इसको अस्वीकार कर दिया था। ठीक है, तो ये क्लियर हो गई ये सारी चीजें। तो हम लोग से आकर आपसे पूछा जाएगी, जो क्रिप्स मूवमेंट है वो भी सेम ही हमको देखने को मिलता है, जैसे अगस्त ऑफर देखने को मिलता है कि कांग्रेस के लोगों ने क्यों मांग मतलब खारिज किया था इसको, कि वो लोग क्या दे रहे थे, डोमिनेंट स्टेटस दे रहे थे, पर लोगों को क्या चाहिए था, फुल इंडिपेंडेंस चाहिए था। ठीक है, और ये सारी की सारी जो मुस्लिम लीग है वो इसका उनकी चीजें भी कंप्लीट नहीं हो रही थी, उनकी डिमांड्स क्या थी, पाकिस्तान अलग से करके दे दो हमारे लिए या सेपरेट इलेक्टोरेट दे दो। तो दोनों की मांग को भी क्रिस्प मूवमेंट में क्या कर दिया गया था, हटा दिया गया था। इसलिए मुस्लिम लीग ने भी क्रिस्प मिशन को क्या कर दिया था, खारिज कर दिया था। ये चीज क्लियर हो गई। अब कल के लिए हमारे क्या पास क्या बचा है, भारत छोड़ो आंदोलन। तो कल हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, तो हमारा भारत छोड़ो आंदोलन हो गया, इसके बाद में हम लोग कैबिनेट मिशन जो है जिस तरीके की जो प्रस्ताव रखे गए थे उनके बारे में पढ़ेंगे। तो ये चीज पढ़ के आना। ठीक है, तो अभी तक की हम लोगों ने चीजों को देखोगे तो हम लोगों को ज्यादातर चीजें यही देखने को मिली कि कैसे चीजें चलती गई थी। त्रिपुरी सेशन के बारे में हम लोगों ने देखा, फिर इसके बाद अगस्त ऑफर के बारे में देखा, मुस्लिम लीग ने अपने पाकिस्तान की मांग की, पाकिस्तान की मांग के बाद में हमने क्रिस्प मिशन के बारे में देखा। तो ये सारी चीजें याद रखना, एक बार पढ़ के आना इनको। ठीक है।